नमस्कार, आप देख रहे हैं Time24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और एक नजर खास खबर की ओर। बुलंदशहर CDO अभिषेक पांडे ने इमलिया ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया, जहां बुलंदशहर ऑक्सीजन प्लांट में 5 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बची है। जनपद में एक दिन में औसतन 2 से 3 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत है। फिलहाल मांग के हिसाब से ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बताई जा रही है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मंडल को ऑक्सीजन की डिमांड भेजी गई है। बहरहाल ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा में पुलिस लगी हुई है और नोडल अफसर भी तैनात किए गए हैं। सर, जनपद में ऑक्सीजन आपूर्ति की क्या व्यवस्था है? देखिए, अब जनपद को जो ऑक्सीजन आपूर्ति हो रही है वो गाज़ियाबाद में प्लांट से वहाँ से आ रही है, और अभी तक जो भी हमारी सप्लाई चेन व्यवस्था है वो एकदम अच्छे से काम कर रही है, और सभी कोविड नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को हम ऑक्सीजन सप्लाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। सर, जनपद में एक ही सेंटर से सप्लाई हो रही है, अब वहाँ कितना स्टॉक बचा है सर? और रास्ते में यहाँ पे हमारे पास जो टैंक है उसकी कैपेसिटी अराउंड 14 MT के आसपास है। उस टैंक में आवश्यकता अनुसार हमने ऑक्सीजन रख रखी है, और समय समय पर जैसे ही हमें मंडल स्तर से आवंटित हो रही है तो वहाँ से भी ऑक्सीजन समय समय पर मिलते जा रही है। सर, गाज़ियाबाद से कितने मिलने की? देखिए, यूजुअली हमें 5 MT के टैंकर्स में ऑक्सीजन मिलती है। अच्छा, यूजुअली। थैंक यू। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें Time24 न्यूज के साथ। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।